का नंबर वन स्कूल। आपने से कभी जेल जाना चाहता है, वहां रहना चाहता है? वो भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी दिनचर्या चक्की, दिनचर्या समझते हो, रोटी, वो रोज या तो फ्री फायर खेल रहे थे या पबजी खेल रहे थे। कोई फ्री फायर खेलेगा तो मां को कैसे मार देगा? आप ध्यान से सुनो, मैं किसी को रोकूंगा नहीं यहां, मैं बोलता हूं खेलो और खेलो। ध्यान से सुना जो मैं जान रहा हूं, तो मैंने देखा फ्री फायर में क्या होता है, क्या होता है, मारते हैं ना, गन से मारते हैं ना, तो उसमें हमको क्या होता है, जब मारते हैं तो मजा आता है या रोना आता है? मजा आता है। तो जो चीज में मजा आता है वो यहाँ हमारे छप जाता है। हमारे ये कंप्यूटर है, यहाँ पर वो फाइल सेव हो जाए। जितनी बार हम वो खेल रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, वो फाइल क्रिएट हो रही है। जैसे ही माँ ने कुछ बोला वो फाइल खुल गई, जो आपको अच्छा नहीं लगता। वहां चाकू पड़ा हुआ था, किसी को गाने अच्छा लगता है तो वो गाना गाएगा, तो क्या होगा, प्रिंट होगा। तो अच्छी चीज है, अगर तुम करोगे तो अच्छा है आपके लिए। समझ आ रहा है मेरी बात? यस सर। लेकिन अगर फ्री फायर खेलते हैं तो आज अपनी कॉपी में लिख देना नहीं चाहिए। अगर आप फ्री फायर खेल रहे हैं तो किसी ना किसी दिन आप कुछ ऐसा करोगे जहां पर आपको रोना पड़ेगा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आप जेल जाना चाहते हो खेल से, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे बच्चों को बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ से जाऊंगा फिर भी आप वो काम करोगे, मैं जानता हूँ। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पर प्रिंट हो गया, उस प्रिंट को आज मैं खत्म करने आया हूँ। हाँ, मैं तरीका बताऊँ, ठीक है? क्योंकि आपको बचाना है, आपको पता नहीं चल रहा कि आपने चाकू पकड़ा हुआ। आपका जीवन आपको प्यारा होना हो, मुझे बहुत प्यारा, क्योंकि आप देंगे हाँ कि आवश्यकता है इस भारत को, इस देश को, इस गांव को, आप हमारे भविष्य। समझ आ रहा है? आपके हमारे भारत को पड़ोसी देशों के वो बॉर्डर एरिया से कोई खतरा नहीं है। हमारे युवाओं को ऐसी चीजें देते हैं, स्कूल्स में वो चीजें आ रही है, चॉकलेट के फॉर्म में ड्रग्स आ रहे हैं। एक बार आपने खा लिया आपका पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर हिल जाए, पूरा बॉडी। हाँ, मैंने देखा ऐसे बच्चों को जो इसको लेना शुरू करते हैं। हाँ, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पेन होता है, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। वो खुद तो नहीं चला सकते, उनको पता नहीं चलता उनकी माँ कौन है, उनका बहन कौन है, उसका हाँ पिता कौन है। समझ आ रहा है? और वो जब चीज नहीं मिलती तो किसी को भी वो मार, यहाँ तक कि खुद को भी। अब आपको ये मैं इतनी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने नशे में नहीं। और देखा गया नशा शुरू होता है कहाँ से, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, कितना, 16 साल। और कैसे, कौन देता है वो आपको, कौन बताएगा वो फिल्मों के बारे में, टीचर बताएंगे क्या, कौन बताता है, कौन बताता है बताओ, वो सिगरेट के बारे में आपको किसने बताया, वो गुटखा के बारे में किसने बताया? या तो दोस्त बताएंगे जो यूज कर रहे हैं, और या तो कोई आंसर दे सकता है, कौन बताता है कहां से वो चीजें आपने,
दूसरे हाँ बोलो, तो कहां से पता चलेगा आपको ये शराब है? किसने बताया? आपके घर में कोई पीता है वहां से? आपके दोस्त जो लेते हैं वो, और तीसरे हैं जो आप बिल में लेकर फिलिप से हमारे जो सो कॉल्ड हीरो के अंदर एक क्यूरियोसिटी हो। अब मैं देखो, मैं साइंस की बात बता रहा हूँ सर, मेरी जान के हम सब टीचर्स भी कह रहे हैं इसको नहीं करो, और जो चीज बच्चे को कही जाए नहीं करो, क्यों टीचर्स? अगर गलत हो तो मैं तो बोलूँ, जो चीज आप बोलोगे नहीं करना बच्चा क्यों क्या बोलता है, वो धुआं क्यों नहीं करता है? इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी, ये बहुत अच्छी चीज है। इसको कहते हैं हिंदी में जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्या होता क्या है, धुआं क्यों नहीं करता। अब उसमें खतरनाक चीज क्या है, जाना नहीं आपने, एक बार अगर पिया ना तो दूसरी बार पीने को फिर देखो, फिर तीसरी बार फिर दिल, फिर ये एक आपके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर ऐसे केमिकल हैं जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, और जैसे ही वो कंट्रोल में आ गए तो आप फिर बार 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 करोगे, और फिर कहाँ पड़े होंगे? आज तो छिपके कर रहे हो, कल कैसे करोगे? सबके सामने कोई शर्म अगर आते हैं, अगर प्रोटेक्शन नहीं होती तो क्या होता है, इसको गाय खा वो फ्री नहीं बन पाता, समझ आ रहा है? तो याद रखना, अगर हमको टीचर्स डांट रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं पेरेंट्स, तो वो आपसे कंसर्न है, आपको अच्छा देखना चाहते हैं, आपका बुरा। लड़कों को बोलेंगे लड़की है क्या, समझ आ रहा है आपको? क्या है जोश, जोश में नहीं आना, हाँ याद रखना, अगर ये चीजें आप नहीं लेते तो आप क्या हो, नहीं लेते तो क्या हो? हाँ बोलो, वेरी गुड, और डायमंड हो, डायमंड। और जिस दिन आपने ये आप क्या बन जाओगे, पत्थर। एक छोटी सी चीज है गुटखा, उसके अंदर तंबाकू होता है। जब हम सिगरेट स्मोक करते हैं तो क्या होता है, ग्लास चैम्बर में ये हमारा ह्यूमन लंग्स करता है, वो कैसे फंक्शन कर रहा था, कितना हेल्दी था। अभी उसका सिगरेट का धुआं अंदर छोड़ा जाता है, क्या होता है? देखो, सात सिगरेट का धुआं छोड़ा गया, क्या हुआ, कैसे जल रहा, फास्ट करके तो दिखाया, क्या हुआ? हम बाहर से बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन अगर सिगरेट स्मोक करते हैं कैसा हो जाता है? Thank you.
किसी एक का चुनाव करें। इस समय जो आपको दोस्त लग रहे हैं कि वो आपको दे रहे हैं चिपके, जो भी काम आप चिपके कर रहे हो, एनी जो आप सबके सामने नहीं कर रहे, आप समझ लेना वो सब गलत है। अगर सही है तो आओ सामने में दिए, समझ आ रहा है? कोई ऐसा है जिसके कान में कभी सिगरेट का धुआं नहीं हुआ? हम सबके नाक में कहीं ना कहीं सिगरेट का धुआं जा रहा है, ठीक है? देखो ये जरा कैसे जा रहा है, मोबाइल में या कोई फोटो देखा है तो हाथ उठाना,
कैसे दिखते, क्या है उनका बॉडी, क्या खड़े होकर बोलो। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। वो पूरा बॉडी उनका पैरालिसिस, एक भी अंग काम नहीं करता, हाथ नहीं उठता, पांव नहीं चल नहीं सकते, वो ऑलवेज नीचे रहे, वो भी ऐसे लटका हुआ। लेकिन वो बहुत खुश, वो कैसे उनके इन्वेंशन किए, उनका एक ही ऑर्गन काम कर रहा था, वो ब्रेन, बस वो ब्रेन को देख रहा था मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को क्या मिला गॉड से। He was very happy. उनको स्ट्रेस होना चाहिए कि नहीं, सारे चल रहे हैं, सारे खा रहे हैं, लेकिन वो ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना कुछ पानी का ग्लास भी नहीं, समझ आ रहा, कुछ भी नहीं उस बंदे के पास में, लेकिन वो क्यों खुश है, क्योंकि जो उसके पास है वो किसी के पास, समझ आ रहा है मेरी बात, कुछ समझ आई। यहाँ पर हर बच्चे को भगवान ने कुछ विशेषता दी है, लेकिन आपको स्ट्रेस क्यों आ रहा है जब आप दूसरे की अच्छाई को देख रहे हो। समय है सबसे अच्छा समय, आपके पास जो है मेरे पास नहीं, आपके पास दो शक्तियां, मन की शक्ति सबसे ऊंची और कल भी आपका शक्तिशाली, लेकिन इसको अगर आप नहीं समझे तो झाड़ू मारोगे कि आपको जब स्ट्रेस आएगा तो कैसे इसको दूर करना। बताओ, एक तो ये याद रखना कि आप को भगवान ने एक अच्छी चीज दी हुई है, वो आपको कौन सी अच्छी चीज है जो आपके अंदर आपको अच्छा लगता है। जैसे किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, जो क्रिकेट खेलने वाले को गाना अच्छा नहीं लगता, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, तो मुझे कोई अपना बता सकता है क्या अच्छा है आपके अंदर? वॉलीबॉल, वेरी गुड, इनके क्लास को करो। विजुअलाइजेशन, विजन करो,
जैसे जो वॉलीबॉल प्लेयर बनना चाहता है, जो दुनिया में सबसे अच्छा खेलता है, उससे भी आगे अगर आप खेल रहे हो ओलंपिक्स में वॉलीबॉल का, हाँ, भारत के टीम को आपने रिप्रेजेंट किया है, तो आपको कैसा लगेगा? वो आपको मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। सब सीधा होके बैठो, सीधा होके स्ट्रेट बैठो। अब जो मैं बोलूंगा उसको वैसे वैसे आपको करना, सोचना। अब हंसना नहीं पूछना। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराने जा रहा हूँ, जिससे आपको फील हो जाएगा कि अगर मैं वो करूंगी तो मैं चैंपियन। ठीक है, मैं वो अपने ट्रिक सिखा। सब अपनी आंखें बंद करो। अब बात नहीं, अगर बात करना है तो आ जाओ, नहीं तो फील नहीं हो किसी को। अपने घर चले, घर में जहां रसोई है उस रसोई के अंदर चले जाओ। वहां पर एक नींबू पड़ा होगा, उस नींबू को उठाओ, उसको चाकू से काटो, कटा हुआ जो नींबू है अपने मुंह के ऊपर ले जाओ, उस नींबू को नीचे लो, उसका रस आपकी जीभ के ऊपर पड़ रहा है, उसको टेस्ट करो अंदर और दबाओ, उसका रस टप 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 आपकी जीभ के ऊपर रहा है, टेस्ट करो अंदर। अब उस नींबू को जीभ से चाटो अच्छे से नीचे, आखिर किस किस को खट्टा लगा, हाथ उठाना जरा। नीचे करो। थैंक यू, सबने किया। थैंक यू वेरी मच। हमने तो नींबू खाया नहीं, हम तो अभी चैंपियन बने नहीं। सेम, समझ आ रहा है? कोई लोग आपको बोल रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, वो आपको फर्क, एक डेड बॉडी के अंदर ब्रेन होता है कि नहीं? क्या वो सोच सकता है? क्या वो फील कर सकता है? रोना कर सकता है? तो कौन कर रहा है? लेकिन किसको पता चलता है? अभी ही मेरे को अगर पिंच चुभाएंगे दर्द होगा ना, लेकिन डेड बॉडी को दर्द होता है क्या जलाने के समय? किसको हो रहा है? अभी आप मुझे देख रहे हो ना, एक डेड बॉडी देख सकती है क्या? तो क्या चीज नहीं है? ब्रेन तो है, क्या चीज नहीं है वहां? हाँ, आत्मा। जोर से ताली बजाओ इनके लिए। इस बॉडी के अंदर में ब्रेन भी तभी सोच रहा है, सिग्नल्स दे रहा है, ब्रेन सिग्नल्स देता है, लेकिन सोच कौन रहा है ना? किसको खुशी लग रहा है, किसको गम लग रहा है? वो आत्मा है। तो हम खुशी या गम का एहसास करते हैं इस बॉडी के द्वारा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आत्मा जो है एक स्टार की जैसे है। कैसी है? हर धर्म में उसको रोशनी के रूप में माना गया, एक ब्यूटीफुल स्टार यहां पर है, वो दिखाई नहीं दे रहा। अब आत्मा हमेशा खुश रहे उसके लिए एक एक्सरसाइज आपको सिखाता हूं। ठीक है, ऑल इज वेल कैसे होगा? ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ रही है ना आपको। ठीक है, ओके, सब कोई अपना राइट हैंड ऊपर उठाना और इधर रखो, इधर। ठीक है, मैं जो बोलूंगा उसको फील करते हुए बोलना। अभी देखेंगे आपका टेंशन खत्म होता है कि नहीं। जिसका जो टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन, जो भी प्रॉब्लम है, अभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हुए ऐसे ऐसे करो। देख लो, सब देख लिया? मेरा नाम राजीव है, जहां राजीव बोलूंगा आपको राजीव नहीं बोलूंगा, अपना नाम बोलूंगा, जैसे संगीता हो, है ना, रविंदर हो, जो भी अपना अपना नाम। ठीक है,
ओके स्टार्ट करें। चलो शाबाश, थोड़ा सा लगना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं है बूढ़े लोग यहाँ बैठे हुए, अभी आवाज करनी हो तो कितना दूर तक आवाज जाए फील करते हुए थोड़ा। हाँ चलो शाबाश। राजीव तुम बहुत प्यारे हो, वंडरफुल क्रिएशन हो भगवान की, तुमसे अच्छा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं, तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं, तुम यूनिक हो, तुम यूनिक हो, तुम इस दुनिया में कुछ खास काम करने के लिए भेजे गए हो, तुम रियल हीरो हो, इस दुनिया में तुमको कोई नहीं जानता, आज से पहले तुम भी नहीं जानते थे तुम इस फिल्म के रियल हीरो हो, जो तुम कर सकते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता, जो तुम कर सकते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता, तुम एक दिन इतिहास रचोगे, सारे स्कूल को तुम पे नाज होगा, सारे स्कूल को तुम पे नाज होगा, पेरेंट्स को तुम पे नाज होगा, पेरेंट्स को तुम पे नाज होगा, ये पूरे गांव को तुम पे नाज होगा, पूरे गांव को तुम पे नाज होगा। शाबाश राजीव, शाबाश, आगे बढ़ो, आज तुम्हारा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, तुम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, तुम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ही हीरो हो, क्योंकि तुम ही हीरो हो। शाबाश, शाबाश, भगवान तुमको बहुत प्यार करता है, भगवान तुमको बहुत प्यार करता है, उनकी सारी शक्तियां तुम्हारे लिए हैं, उनकी सारी शक्तियां तुम्हारे लिए, कभी भी डरना नहीं, कभी भी डरना नहीं, विजय तुम्हारी निश्चित होगी, विजय तुम्हारी निश्चित होगी, तुम्हारा जन्म कुछ खास काम करने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म कुछ खास काम करने के लिए हुआ है। रियल हीरो राजीव कभी पबजी नहीं खेलता, फ्री फायर नहीं खेलता, सिगरेट नहीं पीता। शाबाश राजीव, आज से तुमने फ्री फायर छोड़ दी, क्योंकि तुम रियल हीरो हो, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, थैंक यू राजीव। इस फिल्म का सबसे बड़ा नंबर वन हीरो कौन है? मेरा काम कोई दूसरा नहीं कर रहा। याद रखना, आप हैं तो संसार है, आपसे है संसार, संसार से आप नहीं तो संसार नहीं। कुछ नहीं, अपने से प्यार करो, आपसे अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में दूसरा, फेल होंगे तो क्या होगा, फेल होंगे कि नहीं, फेल से घबराना नहीं, याद रखना, अभी ध्यान से सुनो, अभी जिसने पल बनाया कहते हैं हजार बार फेल हो गया, उसको पूछा गया सर आपने हजार बार फेल हो गए कैसे बनाया, आप दो बार तीन बार फेल होते हो तो क्या करते हो, रोने लगते हो। उसने बहुत सुंदर बात बताई, उसने कहा मैं कभी भी फेल नहीं हुआ, नहीं हुआ, या तो मैं सीख रहा था या तो मैं जीतता, मैं कभी भी फेल क्या सीखा उसने, हजार बार 999 टाइम्स सीखा कि बल्ब कैसे फट जाता है, बनता नहीं है कैसे, और वो गलती मैं फिर से दोबारा, और वो सारे काम करते 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 क्या बन गया, अंत में विजय हो गया। तो विजय तुम्हारी निश्चित 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 हो गया, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। असल सच्चा हीरा होता है वो कोयले की खान में मिलता है, और वो काला पत्थर होता है उसको रगड़ा जाता है। तो आपको ये जीवन में जो भी टीचर्स बोल रहे हैं, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो भी
हैमरिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है? तराश। एवरी फेलियर इज ए स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। सफलता का एक कदम आपने उठाया। जिस दिन आप फेल होते हो तो उस दिन अपने आप से पूछना, आज मैंने क्या सीखा, इनसे मैं जानना चाहता हूं। क्या एक 300 फीट का हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड, पहाड़ काटा था। अरे क्या नाम है बेटा आपका? अमन, अमरदीन या अमन? अरे क्या बात है, थैंक यू अमन, पहाड़ काट। अमन कैसे काटा था उसने, बता सकते हो बेटा कैसे काटा था? हाँ? किसे? हाँ, वो छेनी और हथौड़े से काटना शुरू किया। 22 साल तक काटता रहा। उसने कहा जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और आज उस पथ को कहते हैं राजमार्ग। मैं सल्यूट करता हूं, ये है हीरो। समझ आ रहा है? Yes, sir. ऐसे हीरो आपको बनना है। एक एक हीरे यहां बैठे हुए। आइंस्टाइन ने कहा इस पृथ्वी पे, ये ध्यान से सुनना बैक में जो भी ये बैठे, इस पृथ्वी पे हर कोई जीनियस है। एक मछली जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, अगर वो मैं देखता हूं तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख। वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती लेकिन अपने को देखना, ये जो शाबाश करना है ना कि तुम्हारे अंदर कौन सी अच्छाई है जो कोई भी देख नहीं पा रहा, उसके लिए कभी भी गलत रास्ता अपना नहीं ले। समझ आ रहा है? उसके लिए अप्रिशिएट। हाँ ऐसे नहीं, हाँ शाबाश सर जी तुम 20 सिगरेट पी सकते हो, हाँ ऐसा गलती नहीं करना, उल्टे मार्ग में शाबाश नहीं करना अपने आप को। समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, गाना गाते हो, पेंटिंग करते हो, सिलाई करते हो, कुकिंग करते हो, उसके लिए हाँ रुकना नहीं। छोटा सा काम आप कर रहे हो ये नहीं मुझे बहुत बड़ा करना है, छोटा सा काम में एक्सेल, उसी को हीरो कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हीरो एंड हीरोइन कभी बन गए?